स्वागत है। ये चुन्नी बना ली और ये लहंगा, ये देखो ये लहंगा बना लिया और ये बनाऊंगी इस लहंगे की कुर्ती। ये प्लेन कपड़ा मत है, ये प्लेन कपड़ा मत है, ये बनाया है दुपट्टा इसका। ये लैस लगाया कि नहीं, यो प्लेन कपड़ा ही है ये दुपट्टा वाला, इसका लगाऊंगी। ये दुपट्टा मत लैस बच रही है, यह लैस लगाऊंगी और एक या लगाऊंगी या बाजू बुजू आप लगाऊंगी और एक या इसमें तो ये छोटे छोटे पीस काट के ना इसके लगाऊंगी और एक या किरण लैस लगाऊंगी। ये चार तरिया की लैस लगाऊंगी, दो तरिया की तो ये जोड़े रखी, चार की पांच तरिया की हो जाएगी, एक दो तीन चार पाँच, ये तो जोड़ रखी है दोनों जो ये दुपट्टा का लगा रखी है। इब कर लूँ मैं इसकी कटिंग। इसका लगेगा डेढ़ मीटर कपड़ा, डेढ़ मीटर कपड़ा मत है लहंगा की कुर्ती बनाऊंगी। ये कपड़ा का था साइड में या कानी तैर ली, ये सुलटे की कटिंग करा करूँ मैं। सुलटे की कटिंग करना आसानी हो है, नहीं तो यू चिपक जे है, यू सारी वीडियो में बताऊँ मैं, यू चिपक जे है, नूना नूना सरकाना हो तो सरका को नहीं, फिर उल्टा की कटिंग करूँगी तो यू देखो किस तरह चिपक जे है, सरकाना मुश्किल हो जे है। कुर्ती की लंबाई रखूँगी मैं 26 इंच तैयार, तो लूँगी 28 इंच, 2 इंच मार्जिन लूँगी। 28 इंच पे निशान लगा लिया, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाऊंगा, आधा इंच नीचे चला जाऊंगा और बीच में तक कट लगाऊंगी, आधा आधा इंच 2 इंच मार्जिन में चला जाऊंगा, 26 इंच तैयार रह जाएगी। ये 26 इंच पर निशान लगा दिया और ये सीधी लाइन लगा दूंगी इस पर, और तीरा है 12 इंच, 12 इंच का आधा हो गया 6 इंच, ये 6 इंच तीरा ले लिया और 6.5 इंच लूँगी आरमोल, आधा इंच बढ़ा के तीरा था, ये 6.5 इंच पर आरमोल का निशान लगा दिया, और कमर है 34 इंच, 34 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 इंच, 8.5 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच मार्जिन लेंगी, और कमर का निशान लगाऊंगी 14 इंच पर, ऊपर तक पूरा तक 14 इंच पर, कमर है 28 इंच, 28 इंच का चौथा भाग हो गया 7 इंच, ये 7 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच मार्जिन लूँगी। ये मार्जिन ले लिया, ये भी नापस में मिला दूँगी, यो फिटिंग का निशान हो गया और यो मार्जिन का, और इसकी लंबाई रखूँगी मैं 15 इंच, पूरा तक कटिंग करूँगी, इसकी अलग करूँगी। ये 15 इंच पर यो निशान लगा दिया और यो इसना अलग कर दूँगी, अलग कटिंग करूँगी इसकी आड़त है, इसना अलग करूँगी, इसना अलग करूँगी, और ये आरमोल का आरमोल की गोलाई दे दूँगी आधा इंच, जिस तरह और कुर्तियाँ की कटिंग करा करूँ न्यू है, आधा इंच अंदर की साइड करके ना ये आरमोल की गोलाई दे दी। इसकी नीचे तक घेरा रखूँगी 10.5 इंच तैयार, यो मार्जिन हो गया 1.5 इंच मार्जिन हो गया। इस निशान पर तो इस पर मिला दूँगी, इस पर तो इस पर, ये फिटिंग का निशान है और यो कटिंग का, और उरा तभी कट कर दूँगी, पहले ये कटिंग कर दूँ, गले की कटिंग करूँगी बाद में, बुकरम गेला गला बनाऊँगी। यह होगी फ्रंट भाग की कटिंग, ये कटिंग बाद में करूँगी, पिछला भाग और काट लूँ, दोनों भाग की इकट्ठी हो जाएगी फिर, और ये भी अगला हिस्सा पिछला हिस्सा पर बिछा के ना पिछले हिस्से की और कटिंग कर दूँगी। ये ऊपर बिछा लिया पिछला भाग का अगला भाग, इस तरह 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी नीचे तक, क्योंकि इसका तो लैस लगेगी, इसका तो मार्जिन लेने की जरूरत को नहीं, आधा इंच जाओगा मार्जिन में और यो फोल्ड होगा, यो 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया बढ़ा के मैं, ये ले लिया ही मैंने 2.5 इंच बढ़ा लूँगी इसने, और इसने यूँ का यूँ सेम काट लूँगी, ये निशान लगा दिया, और आरमोल का 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के ना ये निशान लगा दिया, और इसकी ये कटिंग कर दूंगी पिछले हिस्से की, और ये भी इसने बीच में तक काट दूंगी दोनों हिस्से ना, पिछले ने भी और अगला ने भी, और ये दोनों हिस्से हैं अगला भी पिछला भी, ये देखो ये चिपक जे जमा आपस में सीधा, तो ये बैक पार्ट हो गया और यो फ्रंट पार्ट हो गया, और जो यो कुर्ती की साइड में तो कपड़ा बचा है इसमें तो बाजू निकालूंगी, ये साइड में तो कपड़ा लिख गया था इसमें तो मैं बाजू निकालूंगी, बाजू की लंबाई रखूंगी 20 इंच तैयार,
एक इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 21.5 इंच लूँगी, 20 इंच तैयार रखूँगी तो 21.5 इंच लूँगी। एक इंच नीचे चला जाऊँगा, फोल्ड करना मैं, और आधा इंच ऊपर लैस लगाऊंगी इसका आगे बाजू का, और 6 इंच लूँगी, 5 इंच तैयार रखूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन। ये 6 इंच पर निशान लगा दिया और ये 21.5 इंच पर, ये अरमोल की तरफ 3.5 इंच अरमोल खतर लूँगी, 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के ना इस पर गुड़ाई दे दूँगी अरमोल की, और ये अगली साइड की 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हैं। और ये इस निशान पर है, इस निशान पर फिटिंग का निशान हो जाएगा और ये मार्जिन का, ये फिटिंग का निशान हो गया और यो मार्जिन का। ये भी इस पर है कटिंग कर दूंगी, यह एक बाजू है, फिर यह बाजू ऐड रख के ना दूसरी बाजू और काट लूंगी, और ये भी इसने इसके ऊपर रखूंगी, दूसरी बाजू और नुए निकाल लूंगी। ये भी है दूसरी बाजू, इसके ऊपर रख दी, दूसरी बाजू की और कटिंग कर दूंगी। ये होगी बाजू की कटिंग, और ये इन धनुआ ने अगला भाग की और कटिंग कर दूंगी बाजू का। ये धनु मिला लिए, धनु पोर्शन, धनु बाजू रख ली एक दूसरे के ऊपर, और ये फ्रंट भाग की और कटिंग होगी। ये होगी बाजू की कटिंग, और ये होगी कुर्ती की कटिंग। ये भी इसका लगाऊंगी पहले लैस। ये पीछे का पोर्शन तो एक साइड रखूंगी, और अगला का इसने भी एक साइड रखूंगी, जो ये नीचा वाला है घेरा वाला, इस पर लैस लगाऊंगी, ये डिजाइन बनाऊंगी। ये दुपट्टा का लगाई थी उसमें तो बची ओड़ी है, या पल्ले जोड़ ली थी मैंने, दो थे ये लैस यूँ लगाऊंगी इसका घेरा का। यो घेरा ले लिया, ये भी इसका मैं निशान लगाऊंगी। ये भी इसने फोल्ड कर लूँगी मैं, ये भी यहाँ लैस लगाने खातर इस पर निशान लगा लियो, डबल कर लिया, ये निशान लगा लिए तीनों तरफ है। 2-2 इंच का मार्जिन रख लिया, 19 इंच घेरा रख लिया और 28 इंच कमर। ये भी इस पर यह लैस लगा दूंगी, यह नू रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी, इस निशान के ऊपर को, ये तीनों तरफ। ये भी यह निशान के ऊपर रखूँगी इसने, इस गोल्डन लैस पर सिलाई लगा दूंगी। और ये ऐड था यू घुमा दूंगी, ये 1/2 इंच छोड़ के कपड़ा नीचे, और लैस ने भी घुमा दूंगी और कपड़ा ने भी। इस कोना पता भी ये लैस भी घुमा दूंगी और ये कपड़ा भी, ये निशान पर रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। और यह उल्टी साइड लगाई है, ये भी इसने सीधी साइड प्लेट दूंगी, ये नू आ जाएगी, और ये यू कोना बन जाएगा इसका नीचे तक। ये नू लगा दी लैस, ये भी इसका एक एक सिलाई और लगा दूँ ये एड को। ये कोना चुनने की तरह यूँ को नहीं बनेगा, यूँ ही बनेगा, यूँ सीधा ये एड तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यो नीचे तक तिरछा है, ये शेप में है थोड़ा सा। यह सिलाई और लगा दूंगी, यह सीधी एड अलग लगा दूंगी। ये दोनों साइड सिलाई लगा दी, उरान भी लगा दी और उरान भी लगा दी, ये भी यहाँ लगा दी। ये बैड कोना पता स्टार्ट करूंगी, और यो इस कोना तक लगा दूंगी यह सिलाई। बहुत ही ध्यान तो लगाने पड़ा, वेलवेट का कपड़ा है, बज्जे ही एकदम तो एक सार करके ना, थोड़ा भी नूना बद गया तो बंगा हो जाएगा यो। देखो कितनी अच्छी लगी है। ये बाजुआ के पीस और काट दिए, और ये किरण लैस इसका लगा दूंगी, इधर दोनों जोड़ दूंगी आपस में। ये दोनों जोड़ ली, ये भी है बाजुआ का लगा दूंगी।
ये लैस ने उल्टी रखूंगी और ये बाजू का कपड़ा सीधा ऐडर रखूंगी, ऐडर लगाऊंगी इसकी सिलाई और इस साइड तक सिलाई लगा दूंगी और ये ऐडर को सिलाई लगा दूंगी इसके ऊपर। दूसरी बाजू पे ला दूंगी, ये उल्टी साइड बाजू का कपड़ा रख लिया और सुलटी या रख ली लैस और इस पर सिलाई लगा दूंगी। इधर नो बाजू आगे लगा दी लैस, ये भी सिलाई पलटूंगी या सीधी साइड आ जाएगी ये देखो, और ये भी इसका एक या सिलाई और लगा दी मेरे को। ये बाजुआ कह रहे इस अगला हिस्से का घेरा का लैस लगा दी और अगला पिछला हिस्से का अस्तर लगा दिया। अब गले बनाऊंगी, इस पर इसका गोल गला बनाऊंगी, आगे तक पीछे तक भी गोल बनाऊंगी। इसका अगला का बुकरम गिल्ला बना दिया और पिछला की ये काट दी पूरे में पट्टी, ये लगाऊंगी और पिछला और गला काट लूँ। इसने एक साल रखूंगी और ये गला और काट दूंगी। ढाई इंच ले लिया पिछला हिस्से का गला चौड़ाई में और लंबाई में रखूंगी 8.5 इंच। ये 8.5 इंच पे निशान लगा दिया डाई का और 8.5 इंच का बॉक्स बना दूंगी और यह गोलाई दे दूंगी और इस पर कटिंग कर दूंगी। ये होगी पिछला हिस्से की कटिंग और इसका यह उरेब पट्टी लगा दूंगी। एक एक इंच की उरेब की पट्टी काट रखी है, ये अस्तर में तो काट ली थी और इसने यूँ रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। और अगला गला का ये बीच में रखूंगी, बीच सेंटर में, और इसने पहले पिन अप कर लूंगी और फिर सिलाई लगा दूंगी इसका भी। और गला की मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पर, जाके देख सकते हो डिटेल में। ये अगला भाग का भी और पिछला भाग के भी गले बना लिए, अभी भी इन्हें कंधे न जोड़ दो। ये पिछला हिस्सा ये अगला हिस्सा पर रखूंगी, इसने ये इस ज्वाइंट पर रखूंगी, ये बुकरम का गला बना रखे अगला, और इस पर सिलाई लगा दूंगी। और न्यू ये दूसरी साइड लगा दूंगी, ये जोड़ लिए कंधे दनु आके, और ये भी सिलाई और लगा दूंगी इस गला का। ये कच्चा कर दूंगी फिर तुरपाई करूंगी इसका। कुर्ती में डॉट्स के निशान लगाऊंगी 4 इंच पर, ये 4 इंच पर निशान लगा दिए, और ऊपर तक लगाऊंगी कंधा पता 10 इंच पर सीधा मिला दूंगी निशान ने। और जो 2 इंच मार्जिन लिया था उसमें तो 1-1 इंच इन में चला जाओगा डोटसा में, ये थोड़ी थोड़ी ये निशान लगा दूंगी उस साइड भी नुए लगा दूंगी और पिछली साइड भी। ये इतना चला जाओगा डोटसा में और फिटिंग बच जाएगी 28 इंच की, ये 7 इंच पर फिटिंग का निशान लग जाएगा। ये 1 इंच बच गया मार्जिन, 1 इंच चला गया डोटसा में। इसी तरह पिछली साइड लगा लूंगी, ये भी डॉट्स डालने तो पहले एक सिलाई लगा लूंगी बीच में या जम जाएगी। ये सरिया का इसी तरह लगा लूंगी बीच में सिलाई, ये बीच में सिलाई लगा ली, ये भी इसका यू मोड़ूंगी और यह सिलाई और लगा दूंगी, डॉट्स और डाल दूंगी। और न्यू ये सारी डॉट्स डाल दूंगी। ये अगला पिछला हिस्से में डॉट्स डाल ली और एक जो ये लैस वाला है इसे जितना पिछला हिस्सा भी बना लूं, ये साइड में तो मोड़ लूं इतना इतना दोनों साइड तक और नीचे तो मोड़ दूं। ये पीछे वाला भी कर लिया मैंने इसके बराबर, ये मोड़ लिया और ये भी इसने न्यू रखूंगी। ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला, ये इसका जोड़ दूंगी और ये इसका जोड़ दूंगी, इन्हें यूँ रखूंगी एक दूसरे के ऊपर
और यह सिलाई लगा दूंगी। ये मार्जिन है इतना इतना, ये फिटिंग का है, ये फिटिंग का ही आऊंगा एकदम तक, फिटिंग पे ही मोड़ा है। ये दोनों तरफ जोड़ लिए, पिछली साइड भी और अगली साइड भी। अब इसने उल्टा करके ना इसकी फिटिंग की सिलाई और लगा लूँ, ये उरे तक लगाऊंगी सिलाई। ये जो ये ज्वाइंट कराया है, इस ज्वाइंट तक फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। ये ज्वाइंट पर ज्वाइंट मिला के ना, पिछाड़ा भी और अगाड़ा भी। ये निशान लगा लिया फिटिंग का, इस पर सिलाई और लगा लूँ, आड़े तक लगाऊंगी सिलाई। ये दोनों ज्वाइंट पर ज्वाइंट मिला लूंगी और यह सिलाई लगा दूंगी। और यो ज्वाइंट है, आड़े तक लगाऊंगी सिलाई। ये देखो ये आड़ तक, और दूसरी साइड भी नुए लगा दूंगी। ये लगा ली सिलाई, ये इतनी लगाई है आड़ तक, आर्म होल तक, आड़ तक 8 इंच पे लगी है, दोनों साइड 8 इंच पे। और ईब लगा लियो इसका बाजू। ईब इस लैस में तो छोटे छोटे ये पीस काट के ना, और इनका लगाऊंगी बाजुआ का लगाऊंगी और ऊपर चोली का। ये लैस में तो छोटे छोटे पीस काट लूंगी। ये काट लिए छोटे छोटे पीस लैस में, तो ये बिन ना इस पर रखूंगी बाजू पर। ये इतनी तो फिटिंग में आवेगी, सिलाई आओगी, इसका भीतर भीतर लगाऊंगी। ये निशान लगा लूँ एक बारी, ये दोनों साइड निशान लगा लूँगी ये फिटिंग का, और इसका भीतर भीतर लगाऊंगी इन दोनों निशाना का। इन नहीं फैब्रिक ग्लू गले चिपका दूंगी, और ये वाटरप्रूफ हुआ है, उतरे को नहीं गए चिपका पाछ है। ये मार्किंग कर ली बाजू की, ये 1/2 इंच नीचे छोड़ के ना ये लाइन खींच ली, और इसके ऊपर यू बीच सेंटर है, इस पर 3 इंच के निशान लगा दिए, 3-3 इंच के दूर तक। और फिर ये दूसरी लाइन पर 1.5 इंच का लगा दिया, और फिर 3 इंच के ऊपर ये बीच आड़ी पर 3 इंच का लगाया है, इस पर 1.5-1.5 इंच का, ये बीच में आ जाएंगे, ये इस तरह रखे जाऊंगे। ये जो निशान लगा रखे हैं इनके ऊपर यू रख दूंगी, और ये फैब्रिक ग्लू गला चिपका दूंगी, इसका ये फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और ये चिपका दूंगी। बहुत आसानी तो चिपक जे ना, ही उतर दे, ये वाटर प्रूफ हुआ है। ये पहले ये बीच आड़ी लाइन पर चिपकाऊंगी दूर की दूर। ये चिपका लिए बाजुआ के भी चिपका लिए, ये लैस में तो कट कट के ना, और ऊपर कुर्ती का चोली का भी चिपका लिया अड़ लग, यो नीचे तो प्लेन रखा है। ये भी ना बाजुआ ने फोल्ड करूंगी और इसका फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी दोनों के। ये दोनों बाजुआ की फिटिंग की सिलाई कर दी, ये भी ना कुर्ती का अटैच करूंगी, ये आर्म होल के अंदर डालूंगी, और यो ज्वाइंट पर ज्वाइंट मिला दूंगी। ये कुर्ती का है, ये कमीज का है, और इस पर सिलाई कर दूंगी चुगरदा। ये अटैच कर ली बाजू भी, ये रहेगी पीछे डोरी लगानी, डोरी और बना लूँ इसकी मैं। इसका लहंगा और दिखाऊँ ले आके किसी लागे की। ये लहंगा बनाया है, और ये कुर्ती, और ये दुपट्टा, दुपट्टा का कुर्ती का एक सा कपड़ा है, और लहंगा का है यू सिक्वेंस साड़ा। और ये लहंगा के बड़े बड़े लटकन लगा दिए, और कुर्ती का भी इसे लटकन बनाऊँगी।